हाउ टू डिलीट नेक्स्ट्रा मैप इन फ्री फायर मैक्स, नेक्स्ट्रा मैप कैसे डिलीट करें। सो हे गाइस, वेलकम बैक सभी को। तो आज हम गाइस बात करने वाले कैसे आप लोग फ्री फायर मैक्स से, फ्री फायर से कैसे नेक्स्ट्रा मैप को डिलीट कर सकते। तो अभी के टाइम पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, बहुत सारे मेरे पास कमेंट वगैरह आते रहते हैं कि नेक्स्ट्रा मैप को हमें डिलीट करने, नेक्स्ट्रा मैप खेलना पसंद नहीं है, या फिर बहुत सारे कैंपर वगैरह होते हैं, बहुत सारे रैंक पुश करने के लिए दिक्कत हो। तो कोई भी रीजन से अगर आप लोग नेक्स्ट्रा मैप को डिलीट करना चाहते हो, नहीं खेलना चाहते हो नेक्स्ट्रा मैप के अंदर, तो कैसे डिलीट कर सकते हो अपने फोन से फ्री फायर मैक्स हो या फिर फ्री फायर हो, मतलब नॉर्मल जो भी गेम है आपके पास, उससे कैसे नेक्स्ट टाइम आपको डिलीट कर सकते हो, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते हैं ना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करे वो भी कर लेना, उसके बाद बेल आइकन को सुबह कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर दे। तो नेक्स्ट टाइम आपको डिलीट करने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड सेंटर पे जाने, एंड इसके बाद आपको मैप्स का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो नीचे पे आ रहा है मैप्स का ऑप्शन। तो आपको मैप्स से भी जाने, एंड इसके बाद ये पे आपको नेक्स्ट टाइम मैप मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। लेकिन देख सकते हो गाइस अभी के टाइम पे या फिर नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, डिलीट हम लोग नहीं कर सकते। अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स खेलते हो, फ्री फायर मैक्स अगर मोबाइल में खेलते हो, तो शायद आप लोगों का जो डाउनलोड सेंटर है ना, यहाँ पे जो मैप्स का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट टाइम मैप का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप लोग डिलीट नहीं कर सकते हो। मगर क्यों? लेकिन अगर आप लोग पीसी में खेलते हो या फिर आपके पास आईफोन है, तो उसके अंदर आप लोग डिलीट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम ऐप को। तो चेक करना, अगर आप लोग पीसी में खेलते हो तो उसमें आराम से आप लोग डिलीट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम ऐप को, एंड अगर आईफोन के अंदर भी खेलते हो तब भी आप लोग डिलीट कर सकते हो। तो अगर आप लोग आईफोन या फिर पीसी में खेलते हो तो चेक करना, आप लोग आराम से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर फ्री फायर मैक्स खेलते हो, अपने मोबाइल से खेलते हो, तो वहाँ पे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं आपको बता दूंगा आप लोग कैसे डिलीट कर सकते हो। ये हुई ना बात। तो ये हो गया एक तरीका जिससे आप लोग नेक्स्ट टाइम ऐप को डिलीट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। तो जो भी सॉल्यूशन रहेगा मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। एंड इसके बाद गाइस जो सेकंड तरीका आता है, इसमें आपको आपको यहाँ पे मैप का ऑप्शन पे जाने, एंड ये भी आपको गाइस आपको ऑप्शन मिलेगा रैंडम मैप करके, आपको इस पर क्लिक करने, इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे, खुद से यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे आपको कौन सा मैप में खेलने नहीं खेलने। तो आपके पास जो भी मैप का ऑप्शन आ रहा है आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट टाइम मैप सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब इसको हटाने का ऑप्शन नहीं मिलता, रिमूव करने का ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स मोबाइल के अंदर खेलते हो तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, एंड सेम ऐसे आपके पास अगर पीसी है या फिर एंड्रॉइड फोन है, सॉरी आईफोन है, तो आप लोग उसमें डिलीट कर सकते हो या फिर तो हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये भगवान क्या जुलूम है। तो आपके पास अगर एक आईफोन है या फिर पीसी है, तो आप लोग वहाँ पे नेक्स्ट टाइम मैप को रिमूव कर सकते हो, यानी कि इधर से सिलेक्ट कर सकते हो खुद के हिसाब से, आप लोग किस मैप में खेलना चाहते हो, नहीं खेलना चाहते हो, खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो उसमें आप लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो ये दो तरीका था जिससे आप लोग नेक्स्ट टाइम मैप को अपने गेम में ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का फोन में तो भाई ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा, मतलब जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, एंड जो लोग फ्री फायर मैक्स में खेलते हैं उनका वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आते। तो अगर आपका मेरे जैसे प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग नेक्स्ट टाइम आपको डिलीट नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। क्या बात है। तो सबसे पहला का जो तरीका आता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले गेम को बैक करना है, मतलब होम पेज में आपको चले जाने, एंड इसके बाद जो आपका फ्री फायर मैक्स आएगा ना, उसका ऐप इन्फो में आपको जाने ऐसे करके, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लियर डेटा का, जो कि आप लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दो, जैसे आप लोग देख सकते हो क्लियर डेटा का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है, क्लियर डेटा पे क्लिक करके यहाँ पे क्लियर डेटा करना है, क्लियर ऑल डेटा कर देना। एंड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा करने का, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक तरीका है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ये चीज़ आप लोग मत करना, ऐसे करोगे तो आपका गेम का जितनी भी डेटा रहेगा सब उड़ जाएगा, सब कुछ आपको फिर से सेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मत करना, क्लियर डेटा करोगे बहुत सारे एमबी वगैरह चला जाएगा आपका। तो आई बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। बताओ। तो सेकंड मेथड पे आपको क्या करना है, आपको फ्री फायर को डाउनलोड करने, आई मीन नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करने, आप लोगों को मतलब जो नॉर्मल फ्री फायर था, पुराना जो फ्री फायर था, मतलब जो हम लोग पहले खेलते थे, फ्री फायर मैक्स स्टोर के जो हम लोग गेम खेलते थे, उसको आपको डाउनलोड करना है। एंड नॉर्मल फ्री फायर को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इजीली कैसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ये सब कुछ के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है। तो आप लोग नहीं देखे हो अभी तक तो जल्दी से देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे देने का कोशिश करूंगा, या फिर तो आई बटन में आ जाएगा, अगर नहीं आता है या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको नहीं मिलते तो आप लोग चैनल पे जाकर चेक कर लेना, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेगा कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने, कैसे आप लोग ऐसे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली एपीके डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको नेक्स्ट टाइम ऐप रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर डिलीट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा भी देता हूँ, जैसे देख सकते हो मेरे पास नॉर्मल फ्री फायर है, एंड इस आईडी पे मैंने या फिर डाउनलोड सेंटर पे जैसे ही गया, यहाँ पे देख सकते हो
ऐप के अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट्रा मैप आ रहा है जैसे आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे डिलीट करने का भी ऑप्शन है, मैं अगर यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो नेक्स्ट्रा मैप है ये डिलीट भी हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ जो आपका मैप का ऑप्शन मिलता है ना, मतलब यहाँ पे जो आप लोग मोड वगैरह सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे जो रैंडम मैप का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग खुद सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग कौन से मैप में खेलना चाहते हो कौन से मैप में नहीं खेलना चाहते। तो ये चीज बहुत ही अच्छा है, मतलब आप लोग नॉर्मल फीचर को बस डाउनलोड करना, वहाँ पे आप लोग सब कुछ सेलेक्ट कर पाओगे, खुद से सब कुछ कर पाओगे। तो कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बता दिया, आपको दूसरा वीडियो को देखना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल पे जाकर देख लेना। तो कुछ यही था वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद होगा इस वीडियो को जोर से लाइक करना एंड सब्सक्राइब नहीं करो अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसको विकल्प पे सेट कर लेना। तो इस बार वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।